बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर यह अयोध्या से कि जो विराजमान रामलला की मूर्ति है, आज शाम को 8 बजे यानी कि आज रात को 8 बजे जो गर्भगृह है वहां पर स्थापित की जाएगी, वहां पर उसे विराजित किया जाएगा। यानी कि कल नई मूर्तियां जो नए रामलला विराजमान जो फिलहाल वर्तमान के हैं उनको आज स्थापित कर दिया जाएगा नए गर्भगृह में। हालांकि नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी कल प्रधानमंत्री जो उनकी उपस्थिति में गर्मामयी उपस्थिति में होगी, लेकिन उनके साथ साथ जो पुरानी यानी कि अभी जो विराजमान रामलला की मूर्तियां हैं वो आज रात को 8 बजे गर्भगृह में घोषित स्थापित कर दी जाएंगी। आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज जो मुख्य अर्चक हैं रामलला मंदिर के, उनकी उपस्थिति में उनके माध्यम आज शाम 8 बजे के बाद, आज एकादशी है और इसी एकादशी के मुहूर्त में रामलला को जो टेंट में है, अस्थाई मंदिर में हैं, इनको उस भव्य मंदिर में जहाँ पर यह नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसी जगह ये भी जो पुरानी 23 दिसंबर 1949 से पूजित है इस प्रतिमा को ही स्थापित किया जाएगा। मैं हूँ, मेरे 4 पुजारी हैं, कोई विशिष्ट लोगों को भी हो सकता है बुलाए हों तो कोई अच्छे लोग होंगे वो भी लग जाएंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। अब चूंकि जो तैयारी है वो यहाँ पर पूरी हो चुकी है, रामलला की पुरानी मूर्ति स्थापित होगी ये बताया गया है। आज रात 8 बजे पुरानी मूर्ति को स्थापित किया जाएगा ये भी जानकारी दी गई। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास इस मूर्ति को लेकर जाने वाले हैं। 1949 से रामलला विराजमान की जो पूजा है वो इसी से होती चली आ रही है। अब आपको ये भी बता दें कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में इस वक्त उमंग उत्साह का माहौल है। उत्तर प्रदेश का मेरठ भी राममय हो चुका है। बीजेपी नेता संगीत सोम 1 लाख घरों तक श्री राम नाम के लड्डू बांटने जा रहे हैं और इसी के लिए उनके घर पर लड्डू बनाया जा रहा है। देसी घी के बनाए जा रहे एक लड्डू का वजन 200 ग्राम बताया जा रहा है। बताया यह भी गया है कि 1 लाख घरों तक लड्डू बांटने के लिए 101 टीम बना दी गई है। हमने इसमें 101 टीम बनाई है। 21 तारीख को हमारा यहाँ से भोग प्रसाद अयोध्या के लिए रवाना होगा। वहाँ हमारे लोग प्राण प्रतिष्ठा के बाद लड्डू का भोग रामलला को लगाएंगे और वहाँ से वो फ़ोन करेंगे कि रामलला ने हमारा प्रसाद चख लिया, तब हम यहाँ से वितरण शुरू करेंगे। और 101 टीमें हमने बनाई हैं, टीमें बन रही हैं। आप ऑफिस में जाके देखेंगे तो सब लोग लिस्टें बना रहे हैं कौन किस मोहल्ले में जाएगा, कौन किस कॉलोनी में जाएगा। और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कई कार्यक्रम की जानकारी साझा की है। सुनवाते हैं आपको। प्राण प्रतिष्ठा का आज पहला मुहूर्त है और आज से पूजन जो प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त देवताओं का आवाहन, कलश स्थापना, नवग्रह का पूजन, अन्य देवी देवताओं का प्रतिष्ठित की जाएगी वहाँ पर कि देवी देवता की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो, तो आज इससे शुरुआत हम लोग करेंगे। और अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का ऐतिहासिक दिन दुनिया भर में अब रहने वाले भारतीयों के लिए सांस्कृतिक उत्सव बन गया है। राम मंदिर के उद्घाटन का जश्न ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन में भी मनाया जा रहा है। सिडनी में राम भक्तों ने जमकर आतिशबाजी की है तो लंदन में भारतीय समुदाय के लोगों ने रैली निकाली है जिसमें सभी राम भक्त भगवा रंग से जश्न मनाते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के दिन वॉशिंगटन से लेकर पेरिस तक की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो प्रभु श्री राम के उत्सव में शामिल होने के लिए पूरे देश और दुनिया से लोग हिंदुस्तान आ रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ बेहद खास हैं। देखिए कमल दल के साथ ये माला है और हाथों में मेहंदी है। ये हाथों में मेहंदी, प्रभु जरा हाथों में मेहंदी दिखाइए। इन हाथों में मेहंदी का राज क्या है? ये मेहंदी का राज तो ये है कि हमारे जो हिंदू समाज की जो 500 वर्ष की जो तपस्या है, जो उस तपस्या में हमारे पूरे भाई, हमारे पूर्वज सब जो लगे हुए थे, उसका आज फल निकला है। तो ये तो इसको उत्सव को तो हम लोग मेहंदी क्या, जहाँ बोले वहाँ मेहंदी लगा लें। अच्छा, हनुमान जी महाराज ने सब जगह सिंदूर लगा लिया था, हम लोगों ने उस तरह मेहंदी लगा लिया हाथों में। अच्छा, जरा एक जो ये कलश कहाँ से लेके आ रहे हैं आप? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, पुण्य क्षेत्र। अच्छा, इस पानी को कहाँ आप लोग वहाँ राम जन्मभूमि? ये महामंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित ये जल है, ये भगवान की सेवा में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होगी। जरा वो जो भजन आप गा रहे, जरा भजन सुनाइए प्रभु श्री राम का।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम सीता राम सीता राम भज प्यारे मन सीता राम सीता राम सीता राम भज प्यारे मन सीता राम रघुपति राघव राजा रामपति। प्रभु एक छोटी सी बात आप लोगों से एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहता हूँ। जो प्रभु श्री राम की बाल काल की प्रतिमा थी जो अभी दूसरे मंदिर में रखी थी वो भी आज शाम को अपने गृह जगह पहुंच जाएगी। नहीं जानते जी हर रूप उनका अद्भुत है प्रभु। उनका बाल रूप लो जो रूप लो प्रभु का हर रूप आनंदित करने वाला है। आज जीवन धन्य हुआ कि हमारे 500 साल के तपस्या के बाद यह शुभ दिन आया कि आज हम अति प्रसन्न गए माने सभी दुराइयों को बुराइयों को भूल कर भूल के जी। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। आज रामलला की मूर्ति को 114 कलशों के औषधि युक्त जल से कराया जाएगा दिव्य स्नान। कल भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। 25 जनवरी को जयपुर पहुंचेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। प्रधानमंत्री के साथ रोड शो में हो सकते हैं शामिल। 26 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे मैक्रों। आज भी पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। दिल्ली में कोहरे की डबल मार। विजिबिलिटी कम होने से उड़ानों पर सीधा असर। दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें लेट। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। अयोध्या में राम मंदिर का शुभारंभ। न्यूज 18 इंडिया पर शताब्दी की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे अखंड कवरेज। सीधे राम मंदिर अयोध्या से लाइव टेलीकास्ट। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क के साथ 108 घंटे का सीधा प्रसारण। हमारे साथ वो होंगे जिन्हें देश सुनना चाहता है। 5 लड्डुओं का वजन कुल 255 किलो है। इधर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में रामलीला की धूम मच गई। खास बात यह कि इस रामलीला में बड़े बड़े फिल्मी कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। वैसे तो रामलीला हर साल दिवाली